हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 11th का सेशन 2024-25 के लिए हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और मैं आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों ही टर्म्स का सिलेबस बताऊंगा, ठीक है। और ये सिलेबस दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि DOE की तरफ से इशू किया गया ये सिलेबस है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस बता रहा हूँ। तो देखो, आपके पास हिंदी में दो बुक्स होंगी, एक तो अंतरा भाग एक और दूसरी अंतराल भाग एक। तो अंतरा वाली बुक की बात करते हैं सबसे पहले। अंतरा जो बुक है उसमें सबसे पहले जो गद्य खंड है, गद्य खंड में देखो आपका चैप्टर 1 जो कि प्रेमचंद का है ईदगाह, तो ये चैप्टर आपका मिड टर्म में आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर 2 है अमरकांत का, जिसका नाम है दोपहर का भोजन, तो ये चैप्टर भी आपका आएगा। इसके अलावा थर्ड है आपका हरिशंकर परसाई का टॉर्च बेचने वाले, तो ये भी आपका चैप्टर मिड टर्म के सिलेबस में है, ये भी आपका आएगा। चैप्टर 4 है रांगे राघव का गूंगे, तो ये चैप्टर भी आपका मिड टर्म में आएगा। अब इसी बुक से काव्य खंड में से देखते हैं क्या क्या आएगा। तो काव्य खंड में से आपका चैप्टर 10 जो है कबीर दास का, इसमें एक तो आपका है अरे इन दोहू राह न पाई और सेकेंड है बालम आओ हमारे गहरे, तो ये दोनों आपका यानी कि चैप्टर 10 आएगा। इसके बाद चैप्टर 11 भी है जो कि सूरदास का है, तो इसमें फर्स्ट है खेलन में को काको गुसैया और दूसरा है मुरली तऊ गोपाल ही भावती, तो ये भी आपका चैप्टर 11 मिड टर्म में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 12 जो कि देव का है हंसी की चोट सपना और दरबार, ठीक है। इसके अलावा एक और आपका है चैप्टर नंबर 14 सुमित्रा नंदन पंत का संध्या के बाद। तो ये सारा काव्य खंड में से और गद्य खंड में से जो जो मैंने आपको बताया है, ये अंतरा भाग एक की बुक से आपका मिड टर्म में आएगा। अब दूसरी जो बुक है आपके पास अंतराल वाली, तो इसमें से देखो चैप्टर 2 आपका आएगा मकबूल फिदा हुसैन की, हुसैन की कहानी अपनी जबानी, यही एक चैप्टर आपका मिड टर्म में आएगा, ठीक है। तो जो आपके पास दोनों बुक्स हैं उन दोनों बुक से मैंने आपको बता दिया कि मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं ग्रामर में, यानी कि ग्रामर रचनात्मक लेखन में। तो देखो आपके पास अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम में से देखो इकाई 1 जनसंचार माध्यम और लेखन, आपके पास जो तीसरी एक बुक होगी ग्रामर की उसकी बात हो रही है। तो उस बुक में से इकाई 1 जो कि है जनसंचार माध्यम और लेखन, इसमें आपका चैप्टर 1 जो है जनसंचार माध्यम, ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ये आपका इसमें से आएगा क्वेश्चन। इसके अलावा यूनिट 2 यानी सेकंड इकाई जिसका नाम है सृजनात्मक लेखन, इसमें से देखो चैप्टर 9 डायरी लिखने की कला, ये भी आपका आएगा, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 3 जो कि है व्यवहारिक लेखन, इसमें देखो चैप्टर 14 आपको पढ़ना है जिसमें है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, इसमें आपको सीखना है औपचारिक पत्र प्रतिवेदन प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र कार्यसूची कार्यवृत्त से संबंधित व्यवहारिक लेखन, तो ये सारी चीज़ें कैसे लिखते हैं ये सब आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा। इसके बाद इसी यूनिट से चैप्टर 15 भी है जो कि है स्वविरत यानी कि बायोडाटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, तो ये आपका जो बुक है तीसरी ग्रामर वाली उसमें से आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, कौन कौन से चैप्टर 1, 9, 14 एंड इसके बाद 15, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखो एक्स्ट्रा और क्या क्या आएगा, तो आपका अपठित गद्यांश भी आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, जो आपका मिड टर्म एग्जाम होगा या फिर फाइनल टर्म का भी एग्जाम होगा, दोनों में ही अपठित गद्यांश तो आता ही है। इसका वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स का होगा, तो गद्यांश के आधार पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे MCQ टाइप के यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, इसके अलावा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाएंगे, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अपठित पद्यांश भी आपको दिया जाएगा जिसका वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स का होगा, और इसके आधार पर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, MCQ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई सिचुएशन यानी कि कोई स्थिति या फिर कोई घटना दिया जाएगा बताया जाएगा, और उसके आधार पर आपको ऑलमोस्ट 120 वर्ड्स में आपको उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका पठित काव्यांश और पठित गद्यांश जो होते हैं यानी कि बुक के जो काव्यांश और
जो गद्यांश होंगे वो भी आपका आएगा, और उसके आधार पर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू टाइप के होंगे। इसके अलावा जो काव्यांश और गद्यांश होते हैं ना जो बुक के, तो उनकी सब प्रसंग व्याख्या लिखने का भी आपका आएगा। ठीक है, तो ये सब आपका पूरा मिड टर्म का सिलेबस था। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है मिड टर्म का सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपके सिलेबस में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आपका फाइनल टर्म का सिलेबस। तो देखो फाइनल टर्म के सिलेबस में सबसे पहले हम जो आपके पास फर्स्ट बुक है अंतरा वाली, इसमें से बात करते हैं। तो इसमें गद्य खंड में से देखो चैप्टर नंबर 5 जो है सुधा अरोड़ा का, जिसका नाम है ज्योतिबा फुले, ये चैप्टर का नाम है, तो ये आपका आएगा। इसके अलावा खाना बदोष वाला जो चैप्टर है ये भी आएगा। इसके अलावा उसकी माँ, ये जो चैप्टर है ये भी आपका फाइनल टर्म में आएगा। और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये चैप्टर भी आएगा। तो ये पूरा गद्य खंड का था। ठीक है, इसके अलावा काव्य खंड में से देखो तो जाग तुझको दूर जाना ये आएगा, बादल को घिरते देखा है ये भी आएगा, और हस्तक्षेप एंड इसके अलावा घर में वापसी, तो ये चैप्टर जो है ये काव्य खंड में से आएंगे। ठीक है, और जो आपके पास अंतराल वाली बुक है इसमें से आपका पार्ट 3 जो है विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा ये आपका आएगा। इसके अलावा एक और चीज ध्यान से समझना, जो जो मैंने आपको चैप्टर्स मिड टर्म का बताया था, यानी मिड टर्म में जो जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं बुक के, वो सारे फाइनल टर्म में भी आएंगे। और इसके अलावा जो अभी मैंने आपको ये सारे चैप्टर्स बताए हैं ये भी फाइनल टर्म में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो ग्रामर वाली बुक होगी उसमें से देखो चैप्टर 2 आपको पढ़ना है, जिसका नाम है पत्रकारिता के विविध आयाम। इसके अलावा 10th चैप्टर जो है कथा पटकथा ये भी पढ़ना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 14 ये तो आपका मिड टर्म में भी था, और चैप्टर नंबर 15 ये भी था, तो ये आपको पढ़ना है ग्रामर वाली बुक से। इसके अलावा जैसा मिड टर्म में था ना अपठित गद्यांश, इसके अलावा अपठित पद्यांश, ये सब आपका फाइनल टर्म में भी रहेगा, तो इसे भी आपको करना होगा। ठीक है, इसके अलावा ये सारे मिड टर्म में भी थे, तो ये सब आपको फाइनल टर्म के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सिलेबस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है पूरा मिड टर्म एंड फाइनल टर्म का सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना। फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। और ये जो पीडीएफ है ये सिलेबस का, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।